नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा वाणी और मैं हूं जितेंद्र बसिस। पिछले दिनों लड़कियों के रॉक बैंड को श्रीनगर में बैन कर दिया गया, जिसके विरोध में युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। लड़कियों को लगातार फेसबुक पे धमकियां मिल रही थी, साथ ही साथ कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया था, जिसके बाद लड़कियों ने अपना रॉक बैंड बंद कर दिया। तो आइए जानते हैं देश के युवाओं से कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस तरह से लड़कियों के रॉक बैंड को श्रीनगर में बैन किया गया, ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लड़कियों को हर चीज़ की आज़ादी देनी चाहिए, चाहे गाना गाना हो, डांस करना हो, रात को घूमना। जब लड़के घूम सकते तो लड़कियाँ क्यों नहीं घूम सकती? लड़कियों को भी फुल आज़ादी देनी चाहिए। लड़का लड़की को वो नहीं है, लड़कियों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। इंडिया में सभी को राइट फॉर फ्रीडम का हक है और सबको हक है, कोई अपनी बात रख सकता है, ऐसी कोई किसी बात के हम किसको मना नहीं कर सकते। ये कहीं किसी भी हद तक ठीक नहीं है, लड़की को खुल के आज़ादी देनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि लड़की को आज़ादी खुल के मिलनी चाहिए, पर ये देश ऐसा ही है कि लड़कियों को आज़ादी बांध के रखता है कि 9 बजे घर आ जाओ, लड़कों को नहीं बांध के रखता कि 9 बजे घर आ जाओ। ये बिल्कुल गलत है कि एक तरह तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में औरतों को हर इंसान के आदमी के बराबर का दर्जा मिले, लेकिन एक तरफ सरकार उसको बैन करने की और औरतों को गला दबाने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जहाँ पे देखा जाए, एक सरकार की मुखिया दिल्ली में अगर एक महिला है, राष्ट्रीय जो सरकार चल रही है उसकी अध्यक्ष एक महिला है, अगर हम ऐसी डिमांड रखते हैं तो अगर सोनिया गांधी चाहती है कि एक ऐसी नेता है अगर महिलाओं के पक्ष में, अगर वो इतना बिल चाहती हैं तो उनके लिए ये बैन क्यों? जम्मू कश्मीर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही इसके लिए? अगर केंद्र सरकार उनके ऊपर एक्शन उठा सकती है, क्यों नहीं उठा रही? देश अभी दामिनी के दुख से ही नहीं निकला है और इस तरह की जो घटनाएं होती आ रही है दिन पर दिन, ये आपको क्या लगता है, इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि इसमें पूरी सरकार गलत है, पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर रहा, पुलिस ही नहीं कुछ कर रही तो कैसे क्राइम रुकेगा? इसके लिए सरकार अभी कुछ जागी नहीं है, सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, उसके लिए कोई ठोस कानून नहीं बना रही। आपने यही तरीका क्यों चुना है प्रदर्शन का? यही इसलिए क्योंकि हमारा भी यही है कि हम पेट्रियोटिक्स करते हैं, एक यूथ को दिखाने के लिए, यूथ को जगाने के लिए। हमारे इंडिया के यूथ इससे जाग चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आपके इस तरह के विरोध प्रदर्शन से कुछ इस बात में स्थिति सामान्य हो पाएगी क्या? हम अपनी कोशिश हद से ज्यादा कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं उन लोगों के लिए हम सब कुछ करेंगे। हमें लग रहा है, पहले लग रहा था कि सामान्य हो रही है स्थिति हमारे प्रदर्शन से, लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार इसको एक मजाक समझ रही है, सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा इसका। आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को मैं मैसेज देनी चाहूंगी कि जो बेटियां, सबकी बेटियां होती हैं, कृपया करके सब पे ध्यान दीजिए, प्लीज ऐसा क्राइम को बंद करवाइए, ना होने दे, आगे ना बढ़ने दे। कि वो ग्रुप ऐसे कोई मतलब फतवे जारी ना किए गए, ऐसे कोई भी कमेंट ना की जाए, जिन्हें हक है वो कर सकते हैं, राइट फॉर फ्रीडम सबके लिए है। सरकार ही बदल देनी चाहिए, ऐसी सरकार को बिल्कुल रखना ही चाहिए सरकार को। तो हमारी मांगे हैं कि हमारी बहनों और माताओं को पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर सरकार कहती है, सोनिया अगर वहाँ जाके ये दिखा सकती है कि मैं उसे घर जा सकती हूँ, पहले हम देश बड़ी राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है, जहाँ पे लड़के सेफ नहीं है तो उसके लिए और क्या सेफ होगा? आपने देखा जिस तरह से हमने युवाओं से बात की, युवा काफी आक्रोश में है। उनका साफ साफ ये कहना है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक भद्दा मजाक कर रही है। युवा वाणी के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।